अभी थोड़ी देर में मैं आपको रूम भी दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर है नाग देवता। ओ भाई, मनीष हिम्मत करने वाला है गले में डालने की। जय हो। गले में भी डालते हैं क्या इसको? नहीं नहीं, डर लग रहा है। तू है कौन? मैं कौन हूँ? तू है कौन ब्लॉग में आज? नहीं नहीं ये मंदिर पहुंचो और शुरदा शुरदा ठीक ठाक हाथ मिलाओ पहले। तो सुबह सुबह महाकाली के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं चामुंडा मंदिर। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मेरे साथ आया हुआ था मनीष। मैंने बताया था ना आपको मनीष को कहीं जाना है, और तो इसी वजह से सुबह सुबह रेडी हो गए हैं और मनीष भी रेडी हो रहा है, मैं भी रेडी हो गया हूँ और चलते हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। गुड मॉर्निंग सुप्रभात सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा माई के एक नए दिन नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी बढ़िया। तो अभी रेडी हो गए हैं, बस आज खाना पीना कुछ नहीं खाना है क्योंकि हमको जाना है काली मंदिर और चामुंडा मंदिर। मनीष काली मंदिर तो पहले गया हुआ है लेकिन चामुंडा मंदिर वो आज तक नहीं गया है, इसलिए आज उसको दोनों मंदिर के दर्शन कराने हैं। उसके बाद कल वो निकल जाएगा, कल शायद निकल जाएगा वो पिथौरागढ़ को, और आज थोड़ा बहुत रूम वगैरह का सेटिंग वेटिंग भी करना ही है हमने, और इसीलिए सुबह सुबह रेडी हो गए हैं नहा धो के बिल्कुल चकाचक। चलते हैं सीधे अभी मंदिर। और बात करें आज के मौसम की तो धूप खिल गई है, सनराइज हो चुका है और अच्छी खासी धूप खिल गई है अभी। तो सुबह के 8:30 का टाइम हो रहा है और मनीष और मैं निकल गए हैं कालिका मंदिर को। दोपहर का लंच आज हम पैक करके लेके गए हैं, दोपहर में टाइम लगेगा जब रूम की सेटिंग वेटिंग करेंगे उस टाइम पे ही लंच भी कर लेंगे। आज नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया है, बाकी अभी पहुंचने वाले हैं हम दसाई थल। आज मंडे है तो आज मार्केट वगैरह सब खुली रहेगी, चहल पहल रहेगी आज मार्केट में भी और काली मंदिर में भी। काली मंदिर में भी आज काफ़ी भीड़ रहती है सोमवार के दिन। मैं भी आज काफ़ी टाइम के बाद जाऊंगा कालिका मंदिर और चामुंडा मंदिर भी काफ़ी टाइम के बाद। फ़िलहाल दसाई थल की मार्केट, अभी तो सारी मार्केट बंद ही पड़ी है। और दसाई थल से गंगोली हाट की जो रोड है ना, क्या मस्त हो गई आजकल, गजब रोड हो गई है, फुल पावर वाली। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं GIC और यहां से लगभग 1-2 किलोमीटर आगे काली मंदिर। आज मनीष के बहाने हम भी थोड़ा दर्शन वर्शन कर लेंगे। तो ये पहुंच गए हम रावल गांव, थोड़ी देर में बंदरों का आतंक शुरू हो जाएगा, बहुत परेशान करते हैं यहाँ बंदर। तो यहीं कहीं लगाते हैं गाड़ी या नीचे पे लगाते हैं। सामान तो हम लाए ही हैं घर से, सब लाए हैं, फिर क्या क्या करना है भाई साहब, यहाँ तो रखी है भीड़। तो ये है मंदिर के ऊपर का मार्केट जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। यहीं कहीं डालते हैं गाड़ी, कहाँ डालें यार, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रखी है यार, आगे डालते हैं कहीं पे। चुनरी अभी बाद में ले लेंगे यार। तो हम पहुँच गए हैं काली मंदिर और काफ़ी भीड़ आ रही है जा रही है और काफ़ी सारी पूजाएँ भी हैं, आपको पता ही होगा काफ़ी सारे बकरे कटते हैं यहाँ। ये मंदिर पहुंचो और शुरदा शुरदा ठीक ठाक हाथ मिलाओ पहले। आज तुम उन दिन वरिया अशीक हैं, अशीक दिन पौड़नी बे, जय महाकाली। मंदिर आओ और शुरदा के दर्शन ना हो ऐसा कैसा हो सकता है। ये देखिए भीड़ आप देख सकते हैं और मेन भीड़ तो इधर होगी।
वैसे बाहर तो कमी है यार, अंदर को लगी होगी काफी भीड़। तो कालिका मंदिर पहुंच गए हम, और क्या भक्तिमय श्रद्धामय वाला माहौल हो रखा है, इतनी भीड़ हो रखी है, गजब। दर्शन भी हो गए हैं, जैसे तैसे दर्शन भी किए हैं। ये देखो ये वाला नज़ारा देखने लायक है, बहुत गजब भीड़ लगी हुई है इधर देखिए। हम तो मतलब जैसे तैसे घुस गए थे। तो यहाँ के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं चप्पल कांगे चामुंडा मंदिर, और अठवार भी आ रखी है, वो दिखाते हैं आपको अगर पहुँच पाए तो। ये देखो ढोल नगाड़ों के साथ अठवार भी आ रखी है, बकरियाँ भी होंगी इसमें खूब सारी। तो यहाँ पर है नाग देवता। ओ भाई मनीष हिम्मत करने वाला है गले में डालने की। जय हो, गले में भी डालते हैं क्या इसको? नहीं नहीं डर लग रहा है। जय हो। ओ भाई साहब बहुत डर लग रहा है यार। मनीष गले में डालने जा रहा है। मनीष चल हो जाए एक बार, डर लग रहा है। चलो चलो चलो, छुआ तूने? हाँ हल्का हाथ छुआ। भाई साहब गले में डालना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं तो छू भी नहीं पाया हूँ। तो सुबह सुबह माँ काली के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं चामुंडा मंदिर, और अंधेरा पहुँच गए हम लोग। ये है कुछ अंधेरा का एक सुंदर नज़ारा, उसके बाद जाना है रूम में, और थोड़ा बहुत जो सामान बिखरा पड़ा है वो सब ठीक करना है। कल हिम्मत तो हो नहीं पाई वो सब करने की। यहाँ भी आ ही रही हैं वैसे गाड़ियाँ, थोड़ी बहुत भीड़ तो होगी। तो लीजिए ठीक सामने है हमारे चामुंडा मंदिर, फटाफट करते हैं दर्शन और आप लोगों को भी कराते हैं। आज यहीं लगाते हैं गाड़ी कहीं। बस जय हो। तो 10 बजे के करीब हम आ गए थे मंदिर से, उसके बाद अभी 1 बज रहे हैं। सीधे रूम में आने के बाद लग गए थे सेटिंग करने में रूम की, जो भी है। बाकी अभी थोड़ा बहुत जितना बहुत हो सकता था आज वो सब हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह पर्दे वगैरह वो सब धोने रह गए हैं, वो सब स्नेहाई करेगी बाद में जब भी आएगी। बाकी व्यू, वाह क्या गजब का व्यू है यहाँ से, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको रूम भी दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। बाकी यार
व्यू तो गजब है, मतलब मज़ा आ गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरे को यहाँ से जो भी व्यू आ रहा है ना, बहुत ही मस्त लग रहा है। देखिए गजब, फिलहाल हो गया है लंच का टाइम और सुबह तो हम नाश्ता ले आए थे, वैसे लंच करेंगे सोचा था लेकिन उसी टाइम रूम पे आके भूख लग गई तो सब खा लिया था, रोटी वगैरह पैक करके दी थी स्नेहा ने। अब चलते हैं घर पे, लंच वंच करते हैं और फिर अब कल ही आएंगे सुबह। तो रूम की हालत कुछ ऐसी है अभी, ये सब कपड़े वगैरह धोने हैं, बाकी जितना हो सकता था सब सेट कर दिया है, कुछ बहुत छुटुर पुटुर आइटम रह गया है ऊपर भी जो जो आ सकता था वो सब कर दिया है, किचन कर ही दिया है। किचन में काफ़ी कम जगह है, बहुत बड़ा किचन था पिथौरागढ़ में यार, लेकिन जैसा भी है चलो ठीक है, अच्छा है, जगह कम है, बर्तन वर्तन ही आए, दालें वगैरह सब इधर रखनी पड़ी है। ये देखो काइनू के लिए मैं मंदिर से चुनरी लाया था ना, ये कितना सुंदर लग रहा है। नोनू अपना भी दिखाओ, इधर आओ। नोनू और काइनू के लिए मैं चुनरी लाया था ना ये, वाह बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर, दीदी है, दीदी काइनू की दीदी। नोनू काइनू कैसी लग रही है? और नोनू कैसी लग रही है? सुंदर। हाँ। अच्छा, तो शाम के 6:30 का टाइम हो रहा है, आज हमारा चिकन बनाने की तैयारी चल रही है, वो भी चूल्हे में बाहर। ये यहाँ पे चल रही है कटिंग प्याज की, और ये बाकी रखा हुआ है इसमें कढ़ाई। 1 kg चिकन बनाने के लिए हम लोग लगे पड़े हैं, 4 लोग, मनीष मैं, 3.5 लोग, 3.5 गुन्नू आधा। गुन्नू तेरे को आता है चिकन बनाना? चिंक बनाना, चिंक दिखाओ, पीछे क्या छुपाया आपने, दिखाओ दिखाओ, चिकन मसाला। क्या बोलते, आज सुबह माँ काली के दर्शन हुए हैं, माँ चामुंडा के दर्शन हुए हैं, तो शाम को इसीलिए चिकन बना रहे हैं। ये इसको, ये मनीष को ज्यादा ही, मनीष इसको ज्यादा ही पैम्पर कर रहे हैं ना, तो पता है नखरे दिखा रही है टाइम टाइम पे, क्या करती है। तू है कौन? मैं कौन हूँ? तो है कौन ब्लॉग में आज? नहीं नहीं अच्छा जी, मेरा ही चैनल मुझे ही पूछ रहे हो, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। ब्लॉग से लुप्त होती हुई प्रजाति। कोई बात नहीं, मैं उभर के आऊंगी, क्या बोलते हो, उभरा उभरता हुआ स्टार सितारा बन के आऊंगी मैं।